अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? भाई सारे कैमरामैन सबसे पहले अपने लिए तालियां बजाएंगे क्योंकि कल की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों की रही है। तालियां बजाओ सारे। वेरी गुड, वेरी गुड। और आने वाली टीमों की क्या परफॉर्मेंस है ये हम आपको बताना चाहते हैं। आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है। पेशावर चैलेंजर्स ने 9 मैच खेल के 11 पॉइंट्स हासिल किए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड परफॉर्मेंस, सबसे ऊपर है। क्वेटा नाइट्स ने 9 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं और 9 पॉइंट्स उनके हैं। आज का मैच इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि ये ऊपर ही रहे। उसके बाद है माशाल्लाह से कराची लायंस, 9 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 4 हारे और 8 पॉइंट्स लेकर ये भी ऊपर आ गए। इस्लामाबाद से ऊपर आ गए अचानक से, तो बड़ा अच्छा मामला इनके लिए हो गया है। इस्लामाबाद ड्रैगन्स नीचे चले गए हैं, कुछ मामलात खराब चल रहे हैं। 9 मैच खेल के सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट्स उनके हैं और एंड में है सबसे कमाल की टीम, हमारी मोस्ट फेवरेट लाहौर फैल्कन्स की टीम, जो कि 8 मैच खेल के सिर्फ 1 मैच जीती है और 1 टाई किया है और सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। तो हम भी उनके गम में उतने ही शरीक हैं, उनको यहां पर बुलाएंगे। प्लीज वेलकम ब्राइट लाहौर फैल्कन्स के कप्तान अदनान सिद्दीकी। आपको पता है ब्राइट वाले कह रहे हैं हम अपनी स्पॉन्सरशिप वापस लेना चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि ये ब्राइट कब होगा? ये देखें, ब्राइट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। टाई किया है, आज जीत जाएंगे। You never know. वो आप आज बड़ी बात कह रहे हैं कि आज जीत जाएंगे, वो भी उस टीम से जो कि मुसलसल जीतती आ रही है। कश्मीर कुकिंग ऑयल क्वेटा नाइट्स के कप्तान को यहाँ पर बुलाएंगे। प्लीज वेलकम सरफराज अहमद। आइए भाई, खाना तो बहाना है, असल में जो कश्मीर कुकिंग ऑयल घर में लेकर आना है और सरफराज को बुलाना। आइए भाई, वाह क्या बात। भाई सरफराज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज। अदनान भाई कह रहे हैं हमने टाई किया पिछला मैच, आज हम जीत जाएंगे, ऐसा कहा इन्होंने। इन्होंने कहा अदनान भाई खेल अच्छा रहे हैं, बस बैड लक हो रही है इनकी। यार ये इतनी गलत बयानी करते हुए तुम्हें कुछ एहसास नहीं हो रहा कि तुम कितना अच्छा है? बैड लक कर देते ना आखिर में खुद ही। अब देखते हैं क्या करते हैं आज आप। कल आप मशवरा दे रहे थे सईद साहब को भी, कल सईद साहब कुछ ना करके, मैंने कहा था ना जीतेंगे, लेकिन कुछ ना करके, मतलब कि वो आकिब कमाल आदमी था। आई डोंट नो आकिब के साथ इस वक्त घर पे क्या हो रहा होगा, जो कुछ भी हुआ होगा उसके साथ। कल बड़े गलत गलत फैसले कल उन लोगों ने लिए। अब एक चीज जो मैं देख रहा हूं वो मैं ये देख रहा हूं कि लोग इतने तेज और इतने जिद्दी हो गए हैं कि कप्तानों की बात नहीं सुनते हैं। कल सना जावेद यहाँ पर बिल्कुल आप जैसा महसूस कर रही थी, रोने जैसा हो गई थी। हमने अंदर जाके उसकी तस्वीरें खींची जो मैंने अपलोड नहीं की, लिटरली वो रो रही थी कि किस तरह के लोग हैं जो कि मेरी बात।